हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हैं। शाओमी जो चाइना का बेहतरीन ब्रांड है जो मोबाइल फ़ोन बनाता है, उसने एक ग्लासेस भी निकाली है कि शाओमी मीजा ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस। तो ये ग्लासेस जो है बहुत ही अच्छी हैं, जो कंप्यूटर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो बुक्स रीडिंग करते हैं उनके लिए हैं। तो इसका नाम है ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, क्योंकि हम जब कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो उसमें से ब्लू रेस आते हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर आवर आइज। तो उसके लिए शाओमी ने एक बेहतरीन ग्लास निकाली है जो मैं आज खरीद कर लाया हूँ। तो ये ग्लास है, तो मैं ये ग्लास लगाऊंगा। एक्चुअली मैं ग्लास लगाता नहीं हूँ, और मैं ये ग्लास लगा के आपको बताऊंगा कि ये कैसी ग्लास है। बेहतरीन ग्लास है, तो मैं आई होप आई एम लुकिंग स्मार्ट इन दिस ग्लास। तो इसे कहते हैं Xiaomi ब्लू लाइट ब्लॉकिंग ग्लासेस, जो कि आपको जो है ब्लू लाइट फिल्टर करती है। जो भी कंप्यूटर ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो बुक्स पढ़ते हैं उनके लिए भी ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर से जो भी आप या मोबाइल फ़ोन भी यूज़ करते हैं आप लोग, तो उसमें से ब्लू लाइट निकलती है जो कि अपनी आइज़ के लिए ठीक नहीं है। ये ग्लासेस बहुत अच्छे हैं, और मैं इसकी खासियत बताता हूँ कि इसमें क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, आप देखिएगा। तो ये द आई ग्लासेस कैन हेल्प फिल्टर द हार्मफुल ब्लू लाइट एंड यूवी रेज टू प्रोटेक्ट योर आइज। ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो गेम्स खेलते हैं हमारे पास बच्चे या बड़े, उनके लिए भी अच्छी है, जो मोबाइल पे गेम खेलते हैं और जो पढ़ते हैं कंप्यूटर्स पे, कुछ भी स्टोरीज नॉवेल्स कुछ भी पढ़ते हैं आप लोग, फला फला अटरम पटरम, तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये आइज को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, इसकी एक खास बात ये है। और दूसरी ये है कि दिस विल फिल्टर 50% हार्मफुल ब्लू लाइट इमिटिंग फ्रॉम डिजिटल स्क्रीन्स। जो भी डिजिटल स्क्रीन से ब्लू लाइट आती है तो ऑलमोस्ट 50% को ये स्टॉप कर देता है। तो इसकी ये खासियत है, एक ये खासियत है। और एक खासियत बात ये है कि ये ग्लास जो है इसका फ्रेम है TR90 फ्रेम जो है बेहतरीन, बहुत ही लाइट वेट है, जो कि आई थिंक दिस इज 16 grams एज पर मुझे, मैं जब पढ़ रहा हूँ तो 16 ग्राम का ये फ्रेम है ऑलमोस्ट। और TR90 ये जो है स्विस टेक्नोलॉजी जो है इन्होंने ईजाद किया था, ये स्विट्जरलैंड ने। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। सो ये बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है और आसानी से बेंड हो जाता है। तो इसकी खास बात ये है। और इसमें जो है आपको सिलिकॉन नोज पैड जो भी है, जो नोज पैड दिया गया है यहाँ पे, ये वाले ये सिलिकॉन के हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और इसका लेग कवर प्रोवाइड अल्टीमेट कंफर्ट एंड कीप द ग्लास इन प्लेस। सो आपको ग्लासेस को कहीं मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको बस नाक पे फिक्स आराम से बैठ जाते हैं। तो इसकी खासियत ये है। एंड दिस लाइट सेंसिटिविटी ग्लास आल्सो कम विथ UV 400 प्रोटेक्शन, ग्लेयर रिडक्शन एंड स्टेन प्रूफ। ये भी अच्छी बात है। तो इसकी खासियत इतनी है, बाकी का मैंने इसकी पैकिंग जो भी आज मैंने ख़रीदा था इसको मैं फेंक दिया हूँ। और मुझे ये पड़ी है चाइना में 129 yuan की, जो कि 1450 Indian rupees होते हैं। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने गूगल पे चेक किया था कि 129 yuan कितने होते हैं, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1450 rupees होते हैं। तो और इसका वेट भी है 16 ग्राम, बहुत ही अच्छा है, और ये कंप्यूटर यूज़ करने वालों के लिए बेहतरीन है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ये ग्लास यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके आइज प्रोटेक्ट होते हैं, जो भी बच्चे हैं कॉलेज के या कोई भी गेम खेलने के लिए, उनके लिए अच्छा है। मुझे शाओमी ने कोई भी मतलब भाई स्पॉन्सर नहीं किया है, बस मैं जो है इसका शौकीन हूँ, इसके प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, तो मैं कभी कभी मेरे दिल में आता है तो मैं इसका रिव्यूज़ बना देता हूँ। और इसमें दो कलर्स हैं, ये है डार्क ब्लू कलर है, और इस डार्क ब्लू कलर जो है जेंट्स के लिए ठीक है, और इसमें एक वाइट फ्रेम आता है, तो वो आई थिंक मोस्टली लेडीज गर्ल्स लगाते हैं। तो आपको अगर ये मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ज़िंदगी चलते रहती है, बाकी का सब ठीक ठाक है। ओके, तो बाय बाय, keep watching my videos and subscribe it and share it and see you in next video. Bye bye.